हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये रहा वो स्पेशल वीडियो जिसके बारे में मैंने बात कल की थी। काफ़ी लोगों को ये लगा होगा कि ये एक फेस कैम वीडियो होगा, पर दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। पर ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का टॉपिक एंड थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो होने वाली है कि रोमन रेंस द परफेक्ट बेबी फेस एंड फ्लैग बैरर ऑफ WWE एंड फेस ऑफ द कंपनी क्यों है एंड बेस्ट रेसलर इन द करंट जनरेशन क्यों है। और दोस्तों उसी के साथ मैं काफ़ी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि रेसलिंग बादशाह के खिलाफ काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के मन में कि रेसलिंग बादशाह सिर्फ लेजेंड्स की तारीफ करता है, रेसलिंग बादशाह को करंट सुपरस्टार जरा भी पसंद नहीं है और रेसलिंग बादशाह स्मॉल रेसलर्स यानी कि मिजेट्स को काफ़ी हेट करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लैरिफाई करूँगा इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है, एक तो जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चाहने वाले हैं उनके लिए और जो मेरे हेटर्स हैं उनके लिए भी। तो आप ये वीडियो कूल डाउन काम डाउन होके देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स बनाया है जहाँ पर मैंने अपने ओपिनियंस डाले हैं और ये 6 पॉइंट्स के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या कहना है और मेरा इंटेंट क्या होता है हर बार। पहले बात करते हैं ड्रॉ के बारे में, क्यों ड्रॉ इम्पॉर्टेंट है रेसलिंग में। पहला तो ड्रॉ का मीनिंग ये होता है कि किसी सुपरस्टार के लिए जो लोग हैं वो पैसे स्पेंड करते हैं, टिकट्स खरीदते हैं और अरेना फुल करते हैं। इससे क्या होता है, वो रेसलर कंसीडर किया जाता है एक ज़बरदस्त ड्रॉ और अपने कंपनी का प्रॉफिट कराता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक कार का। कार में तो सब लोग बैठ गए, पर अगर पेट्रोल रहेगा नहीं तो ये कार आगे कैसे बढ़ेगी। तो इस कार को आगे बढ़ाने का काम करता है पेट्रोल और वो है ड्रॉ। तो सेम वे जितना पेट्रोल ज़रूरी होता है किसी भी व्हीकल के लिए, वैसा ही ड्रॉ ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए, ऑफ कोर्स रेसलिंग कंपनी के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ कि कौन सबसे बड़ा ड्रॉ रहा है WWE में। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉक, होगन, गोल्डबर्ग, सीना, ये नाम तो दिखते ही है और यही लोग लेजेंड्स बने हैं। यही लोगों की वजह से आज कंपनी इतनी बिलियन डॉलर कंपनी बनी है एंड नंबर वन कंपनी इन द होल वर्ल्ड। और कुछ लोग पार्ट टाइमर्स एंड लेजेंड्स पर हेट करते हैं कि उन्हें चैंपियनशिप क्यों दी जाती है एंड करंट स्टार पर फोकस क्यों नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर विंस मैकमैन जो है वो एक तीर से दो निशाने मारते हैं। पहला तो ये है कि उन्हें पता है कि करंट जो सुपरस्टार्स हैं वो ड्रॉ कर नहीं पाते और उनके बड़े इवेंट आने वाले होते हैं, तो इसलिए अगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो पैसे वो कमा नहीं पाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, रेटिंग्स नहीं आएंगे। इसलिए वो पार्ट टाइमर्स एंड लेजेंड्स को बुलाते हैं, उन्हें टाइटल दे देते हैं और ऐसे लेजेंड्स मनी ड्रॉ करते हैं, काफ़ी तगड़े मैचेस देते हैं, ड्रीम मैचेस देते हैं। और मैचेस का मतलब ये नहीं है कि एक घंटे के क्लासिक मैच विद किक्स एंड फ्लिप्स, वो मैच स्क्वॉश मैचेस भी हो सकते हैं या 15 मिनट्स के मारधाड़ वाले ब्रॉल भी हो सकता है। और फिर इसी दौरान विंस मैकमैन किसी ऐसे स्टार को डेवलप करते हैं कि जो इन दोनों को हराएगा आने वाले बड़े पेपर व्यू में एंड देन ब्रॉक एंड गोल्डबर्ग उन्हें ओवर करेंगे, जैसे ब्रॉन एंड ड्रू मैकइंटायर को किया। और इस पूरी जर्नी में जिन जिन के साथ गोल्डबर्ग एंड ब्रॉक लेजनर की मैचेस होंगी वो अगर हारे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले स्टार्स को वो एलिवेट करेंगे, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ाएंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्हें रेलिवेंट रखेंगे। तो ये होता है पार्ट टाइमर्स एंड लेजेंड्स को चैंपियनशिप देने का नतीजा। कोई कोई ये बोलता है कि टाइम लगेगा करंट रेसलर्स को ड्रॉ बनने के लिए, पर कितना टाइम, अभी तो कंपनी बेचने की भी न्यूज़ आ चुकी है, तो क्या कंपनी बेचने के बाद ये ड्रॉ बन पाएंगे। बेकी लिंच को देखो, पहले वो कितनी जोक कैरेक्टर थी, बट जब से उनकी फ्यूड रोंडा राउजी के साथ हुई है और उन्होंने द मैन वाला कैरेक्टर अपनाया है, तब से वो एक तगड़ी ड्रॉ बन चुकी है एंड टॉप वुमेन रेसलर बन चुकी है एंड बेकी लिंच मर्चेंडाइज में टॉप 3 में थी। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि सेथ रॉलिंस को कितना कुछ इन्वेस्ट किया था, लेजेंड्स को हराया, कितने डबल चैंपियनशिप जीते, इवन ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे को 2 बार हराया, बट इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद सेथ रॉलिंस ने रेटिंग्स ड्रॉ नहीं किए, ना मर्चेंडाइज सेल किए, ना ही हाउस शो अटेंडेंस भरे। और यही चीज़ रोमन रेंस पर इन्वेस्ट की, तो रोमन रेंस ने जो सेथ रॉलिंस ने नहीं किया है वो सभी काम रोमन ने किया है। और दोस्तों एक टॉप सुपरस्टार, एक टॉप ड्रॉ बनने के लिए आप में होने चाहिए माइक स्किल्स, कैरेक्टर, एक प्रेजेंस, एक पर्सनैलिटी एंड करिश्मा।
और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि हमें अच्छी बुकिंग डिजर्व करनी चाहिए। फ्लिप्स, किक्स, डाइव्स और एक घंटे के मैचेस जिसमें सेलिंग होती नहीं है वो ड्रॉ नहीं करते। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट्स, ये क्लेम है कि मैं सिर्फ लेजेंड्स को पसंद करता हूँ, करंट सुपरस्टार्स को नहीं। तो पहली बात तो ये है कि लेजेंड्स एंड पार्ट टाइमर्स को मैं पुराने टाइम से बचपन से देखते आ रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर मेरे फेवरेट है। तो जितने भी हो गए, ब्रॉक, गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, कर्ट एंगल, जॉन सीना, ये सब मेरे फेवरेट है, एंड इवन द रॉक। और आज भी वो परफॉर्म करके मैं उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो अब भी डिलीवर करते हैं, वो ड्रॉ करते हैं, सामने वाले टैलेंट को एलिवेट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्राउड से उन्हें स्टिल रिएक्शन मिलता है। पर दोस्तों ये बात गलत है कि रेसलिंग बादशाह सिर्फ लेजेंड्स एंड पार्ट टाइमर्स को पसंद करता है, ऐसा नहीं है। करंट सुपरस्टार्स की बात करें तो मेरे फेवरेट्स हैं जिंदर महाल, ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रे वाइट, एजे स्टाइल्स, डैनियल ब्रायन, किंग कॉर्बिन, रोमन रेंस, बॉबी लैशली, मुस्तफ़ा अली, शेमस, लार्स सुलेवन, जेफ हार्डी, ऊसोस, मॉरिसन, मिस एंड न्यू डे में सिर्फ मुझे कोफी एंड बिगी पसंद है। वो तीसरा वाला जो जेवियर वुड्स है वो सिर्फ वीडियो गेम चलाने के काबिल है। और दोस्तों एनएक्सटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मैं सबको हेट करता हूँ एनएक्सटी में। एनएक्सटी में मुझे कुछ रेसलर्स पसंद है जिनमें काफ़ी कैपेबिलिटी है, और वो है कैरियन क्रॉस, कीथ ली, डेक्स्टर ल्यूमिस, हमारे रिंकू एंड सौरव, वेलवेट इन ड्रीम एंड दोस्तों मैट रिडल। जी हाँ, मैट रिडल। मैट रिडल लुक्खा चरसुल्ला जरूर है, बट उसमें क्षमता है कि वो टॉप स्टार बन सकता है क्योंकि उसका एमएमए बैकग्राउंड है। बट अगर वो चू वाली हरकतें नहीं करेगा तो वो एक टॉप स्टार बन सकता है। एंड मैं फिर से कहता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ एक रेसलर में, माइक स्किल्स, करिश्मा, एक स्टार जैसी पर्सनैलिटी, कनेक्टिंग विद द क्राउड। कि आप जब मैच कर रहे हो तो क्राउड आपसे कनेक्ट होनी चाहिए। आप फेस है तो चीयर करनी चाहिए, अगर आप हील है तो बू करना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा है या फिर उल्टा मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास इंटेंसिटी एंड कैरेक्टर होना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। एंड मैं यही देखता हूँ किसी रेसलर में। तो होपफुली आपके दिमाग से ये निकल गया होगा कि रेसलिंग बादशाह सिर्फ लेजेंड्स को पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज अमेरिका के स्मार्क्स जैसे मत बनो। दोस्तों मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप कोई भी रेसलिंग प्रमोशन देखें, AEW, NXT, WWE, AAA, NJPW, ROH, PWG, कोई भी। पर दोस्तों एक बात आप याद रखो, WWE, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ये एक रेसलिंग कंपनी नहीं है पूरी तरह से, जैसे ये बाकी सब है। ये प्रो रेसलिंग कंपनी नहीं है, ये है एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। इस WWE में जो लास्ट का जो ई है एंटरटेनमेंट वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी के सक्सेस में। अब ये मत समझना कि WWE में रेसलिंग नहीं होगी तो कहाँ पर होगी, होगी रेसलिंग, बट ये जो कंपनी है वो अपने सक्सेस पर पहुंची है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की वजह से। क्योंकि विंस ने कहा है कि उनके डैड ने जब चालू किया था वो प्रो रेसलिंग थी, और जब उन्होंने जब चालू किया है वो हो गई है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। और WWE में 60-65% एंटरटेनमेंट वाले स्टफ होते हैं एंड 35-40% रेसलिंग होती है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि यही एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट्स, बैकस्टेज सेगमेंट्स, फन वाले मैचेस, यही क्राउड को एकदम खुश करता था। बट अभी अगर ऐसा किया तो सारे स्मार्क्स ये बोलते हैं कि अरे ये क्या दिखा दिया, हमें नहीं चाहिए ये बैकस्टेज सेगमेंट्स, हमें तो चाहिए रेसलिंग, रेसलिंग, रेसलिंग। अरे भाई, तो एंटरटेनमेंट ई का क्या मतलब है? ये स्मार्क्स लोग खुद इतने ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं ना दोस्तों कि आपको पता नहीं। ये लोग कोफी किंगस्टन पर भी टर्न हुए थे। रैंडी ऑर्टन को जब सेकेंड टाइम हरा दिया था कोफी किंगस्टन ने, तभी ये लोग स्मार्क्स कोफी किंगस्टन पर एकदम टर्न हो गए थे, उन्हें हेट करने लगे थे। आपको पता ही है कि रेसलमेनिया में कितना सपोर्ट था कोफी को। और दोस्तों सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है किसका? सेथ रॉलिंस। ये लोग सेथ रॉलिंस को गॉड मानते थे, और जब सेथ ने ब्रॉक को रेसलमेनिया में हराया था तभी यू डिजर्व इट वाला चैंट थे। एंड विद इन 2-3 मंथ्स ये लोग सेथ रॉलिंस के ऊपर से टर्न हो गए। एंड आपको पता ही है कि कितना हेट किया था सेथ रॉलिंस को। तो ये लोग किसी के सगे नहीं है, इतना याद रखो, क्योंकि ये लोग खुद कंफ्यूज रहते हैं, इन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए, और WWE को वो हर छोटी छोटी बात के लिए जज करते हैं। वो बाकी किसी कंपनी को जज नहीं करेंगे अगर उनका कोई भी डिसीजन हुआ, बट वो WWE को काफ़ी जज करेंगे। और आपने देखा होगा कि हर चीज़ में वो कंप्लेन करते हैं। और एक बात है दोस्तों,
ये लोग अपने जिंदर एंड खली को काफी हेट करते हैं। अगर आप सोशल नेटवर्किंग यूज करते होंगे तो आप किसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो यूएसए वाला चलाता है उधर लिखो कि खली इज बेस्ट, आई लव खली और खली इज अ ग्रेट रेसलर, तो वो लोग कैसे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका इंसल्ट करेंगे, खली का इंसल्ट करेंगे। तो ये लोग तारीफ के काबिल बिल्कुल नहीं है। और जिंदर महाल जैसे गाय ने जो जॉबर से WWE चैंपियन बना और उन्हें मिले थे बस रैंडी ऑर्टन, वो भी 3 पेपर व्यू के लिए, और नाकामुरा जैसा फेल्ड सुपरस्टार जो बोर्डम का पीक है वो मिला था 2 पेपर व्यू के लिए। स्टिल जिंदर महाल ने ड्रॉ की है कोफी किंगस्टन एंड सेथ रॉलिंस से ज्यादा रेटिंग एज WWE चैंपियन। तो ये प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल में जो है फोर्ब्स का आर्टिकल। तो इतना सब करने के बावजूद ये लोग जिंदर एंड खली को हेट करते हैं। तो अपने देश के लोग इन्हीं स्मार्क्स का सीख कर ये कहते हैं कि एफ रोमन रेंस, एफ लेजेंड्स, एफ पार्ट टाइमर्स, और हमें तो पसंद है सेड्रिक अलेक्जेंडर, रिकोशे एंड अदर मिजेट्स जो कि करिश्मा वैक्यूम्स है। तो ऐसे तो नहीं होता ना दोस्तों, आप अपने माइंड से सोचो, उनके जैसे उनका कमेंट्स पढ़ के ये मत सोचो कि वैसा ही हमें सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। नंबर 4 इज रेसलिंग बादशाह एड्रेसिंग टू हूम एग्जैक्टली। तो दोस्तों मैं किसे एड्रेस करता हूँ अपने वीडियो में, सबसे पहले तो ये जो अमेरिका के जो डम्प स्मार्क्स है वो ऐसे पूरा कैंसर फैलाते हैं, तो मेरा एड्रेस उन्हें होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो ये लोग कैसे बेवजह हेट कर रहे हैं जिस हेट में कोई लॉजिक नहीं बनता। प्लस सेकेंडली मैं एड्रेस करता हूँ हमारे यहाँ के सस्ते वाले स्मार्क्स को जो वॉनबीज है, तो इनका कॉपी करते हैं इन अमेरिका के स्मार्क्स का कूल लगने के लिए। मैं उन्हें बोलता हूँ कि आप ऐसा मत करो, आप अपने दिमाग का यूज करो और सोचो कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड अगर कोई बंदा मुझे बोलता है तो मैं उसी बंदे को रिप्लाई करता हूँ जो मेरे स्टेटस का हो और जो सेंसिबल बात करता हो, ऑन पॉइंट, ऑन रिकॉर्ड, ऑन प्रूफ। अदरवाइज मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता और रेसलिंग बादशाह खुद किसी को कभी नहीं बोलता। एंड द नंबर 5, रेसलिंग बादशाह मिजेट्स या फिर स्मॉल रेसलर्स को क्यों हेट करता है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हेट करने का मतलब मैं एक रीजन से हेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बिग गाइज को भी हेट करता हूँ एंड कुछ स्मॉल गाइज को भी, तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि रेसलिंग बादशाह सिर्फ स्मॉल गाइज को हेट करता है। पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोमन रेंस, ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग जैसे बिग गाइज को बोलते हैं पावर हाउसेस जो कि एकदम बिल्डर टाइप के होते हैं। सेकेंडली जो मॉन्स्टर होते हैं खली, बिग शो, केन जैसे, अंडरटेकर जैसे, उन्हें जायंट्स कहते हैं, और जो स्मॉल रेसलर्स होते हैं उन्हें मिजेट्स कहते हैं। तो अभी मिजेट्स को मिजेट्स नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। एक ने तो ये बोला था मुझे कि रोमन रेंस भी मिजेट हुआ ना, वो NXT से आया। तो अरे भाई NXT से जो आया वो मिजेट नहीं है, मिजेट मतलब छोटे रेसलर, छोटे साइज के रेसलर। रोमन रेंस 6'3", 260 pounder, ये छोटा है क्या? तो ये बात तो हो गई क्लियर। अब दोस्तों छोटे रेसलर हो या बड़े रेसलर हो, मैं हर रेसलर में देखता हूँ माइक स्किल्स, करिश्मा, एक अपील, एक WWE सुपरस्टार जैसे तो दिखो यार, इंटेंसिटी, ड्रॉइंग पावर, ये सारे चीज मैं देखता हूँ एक रेसलर में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कनेक्शन विद द क्राउड। और आपको पता है रेसलिंग बादशाह किसका फैन है, कौन से छोटे रेसलर्स का? RVD, एडी गरेरो, क्रिस बेनवा, CM पंक, एंजो अमोरे, कर्ट एंगल, जेफ हार्डी, मैट हार्डी, क्रिश्चियन एंड द लेजेंड मिस्टर 619 रे मिस्टीरियो। तो क्यों मैं इनका फैन हूँ? जो जो चीज़ें, जो जो क्वालिटीज मैंने बताई है, माइक स्किल्स, करिश्मा, कैरेक्टर, ये सभी इन लोगों में थे। ये सिर्फ मूव्स पे डिपेंडेंट नहीं थे, इन्होंने सब में एकदम प्रोफेशनलिज्म दिखाया और आज वो लेजेंड्स बने हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि रेसलिंग फ्लिप्स, किक्स एंड डाइव्स के ऊपर सिर्फ नहीं होती है। आपको यकीन नहीं है, प्रूफ चाहिए? ओके देन प्रूफ मिलेगा आपको। अंडरटेकर आपको पता ही है कि 30 साल से रेसलिंग इंडस्ट्री में है, तो उनको तो काफ़ी रेसलिंग का नॉलेज होगा, राइट? तो एक रीसेंट इंटरव्यू में अंडरटेकर ने क्या कहा है इस रेसलिंग स्टाइल के ऊपर, और करंट जनरेशन जो है वो कहाँ पर रॉन्ग हो रही है, वो कहा है अंडरटेकर ने इस इंटरव्यू में। उस इंटरव्यू की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करता हूँ, तो आप ये कमेंट सेक्शन ज़रूर देखिए। और उस इंटरव्यू में 9:03 पर वो क्लिप चालू होगी। 9:03 से लेकर 2-3 minutes तक वो क्लिप देखिए और आपको समझ जाएगा कि रेसलिंग बादशाह ने क्या कहा है और रेसलिंग बादशाह का इंटेंट क्या है एंड रेसलिंग बादशाह की नॉलेज कितनी है।
ये इंटरव्यू इंग्लिश में है, तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। अभी अंडरटेकर ने ये कहा है कि अभी के जो जनरेशन है, बॉयज हो गए या फिर गर्ल्स, ये काफ़ी एथलेटिकली गिफ्टेड है, बट रेसलिंग मूव्स के ऊपर नहीं है, रेसलिंग है कैरेक्टर्स के ऊपर, लोगों से इमोशन निकालने के ऊपर। लोग आपको देख के आइदर हेट करने चाहिए या आपको लव करने चाहिए। यही काम जॉन सीना ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। जॉन सीना अगर आ जाते तो पीपल उन्हें काफ़ी चीयर करते थे, अगले दिन आते तो पीपल उन्हें काफ़ी हेट करते थे। उन्होंने रॉक का भी एग्जाम्पल दिया है कि रॉक, सीना एंड स्टोन कोल्ड काफ़ी लोग, ये लेजेंड्स जो है वो फुल अरेना के सामने परफॉर्म करते थे, मतलब वो ड्रॉ करते थे। और करंट रेसलर को ये बात समझनी चाहिए कि कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों से कनेक्शन बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूव्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप डबल बैक फ्लिप मारोगे उसके बाद और एक कूल मूव मारोगे तो पीपल बोलेंगे ओके व्हाट्स नेक्स्ट, क्या कर सकता है ये। और आपको खुद को पता नहीं होगा कि आपके पास तो 10,000 मूव तो नहीं होंगे रिंग में करने के लिए, तो आप और एक अलग मूव, और एक रिस्की मूव ट्राई करोगे पीपल से चीयर निकालने के लिए, क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग तो नहीं दे रहे हैं, और ऐसे फिर इंजरी हो जाती है। और अंडरटेकर ने ये भी कहा है कि ये कैरेक्टर वाली बात, और अंडरटेकर ने ये भी कहा है कि इस कैरेक्टर वाली बात, स्टोरी टेलिंग इन अ मैच की बात, लोगों से इमोशन निकालने की बात एंड मूव्स मैटर नहीं करते। ये बात आज के जनरेशन के रेसलर्स को समझने में काफ़ी देर हो जाती है, और जब समझ में आती है तभी वो काफ़ी इंजर्ड हुए होते हैं। तो स्टिल किसी को ये लगता है कि मूव्स मैटर करते हैं, ज़्यादा मूव्स देते हैं तो वही मैटर करता है, तो आप ये इंटरव्यू देखिए अंडरटेकर का, फ्रॉम 9:03 टू नेक्स्ट 2 मिनट्स। और दोस्तों, सबसे मेन फैक्टर होता है रेसलिंग में, वो होता है बिलीवेबिलिटी का। कोई 5'3" या 5'5" का रेसलर 6'5" 320 पाउंडर को नहीं मार सकता। ये अगर ऐसा होता है कि अगर वो मार रहा है किक फ्लिप से और बड़ा रेसलर सेल कर रहा है, तो ये अपनी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करने जैसा हुआ। बैक इन द डे आप ये नहीं देखेंगे कि नंजियो जो है 150 पाउंडर वो हरा देगा बटिस्टा को, या बटिस्टा को वो मारेगा जो है बटिस्टा 320 पाउंडर के। तो आज भी वही बिलीवेबिलिटी रहनी चाहिए। UFC में भी दोस्तों वेट क्लासेस होते हैं। कॉनर मैकग्रेगर जो छोटे वेट क्लास का है, कम वेट वाला, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे हैवी वेट से लड़ना है। तो एक बिलीवेबिलिटी होती है, तो ये मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों, रही बात एडम कोल की, तो एडम कोल से क्या मेरे क्या दुश्मनी नहीं है? उसकी अच्छे थिंग्स बताओ तो उसके माइक स्किल्स थोड़े डिसेंट है, अच्छा खासा करिश्मा भी है, बट वो मार खाता है बंदा फिजिक में। एंड जो उसकी रेसलिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली कैनेडियन डिस्ट्रॉयर डाइव्स एंड सुपर किक्स की होती है। एंड वो इतने टाइम से NXT चैम्पियन है, फिर भी रेटिंग्स कितनी कम आ रही है, और वो पिछले काफ़ी वीक से TV पर आ नहीं रहा है और रेसल भी नहीं कर रहा है। उसके ऊपर स्मार्क्स लोग ये नहीं बोलेंगे कि एडम कोल को हेट करना है हमें और उसकी गलतियां नहीं निकालेंगे, इंस्टेड वो उसके फैन बनते जा रहे हैं और उन्हें प्रेस करते जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों एडम कोल ने ज़्यादा रेटिंग्स ड्रॉ किए, ज़्यादा अरेना भरा, HHH को प्रॉफिट दिलाया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अच्छी फिजिक बनाई, तो मैं एडम कोल की इतनी तारीफ करूँगा कि आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि रेसलिंग बादशाह अच्छी चीज़ को पॉइंट आउट करता है, चाहे वो कोई भी हो। और दोस्तों, वैनिला मिजेट, वैनिला का मतलब होता है फीका, मिजेट मतलब होता है छोटा रेसलर। ये वर्ड रेसलिंग बादशाह ने नहीं, द लेजेंड केविन नैश ने निकाला था, और ये वर्ड कहा था एडी गरेरो एंड क्रिस बेनोआ को, और ये वर्ड एडी गरेरो ने एक्सेप्ट किया कि वो है एक वैनिला मिजेट, और उन्होंने खुद में काफ़ी इन्वेस्ट किया। पहले आप देख सकते थे एडी गरेरो का अपीयरेंस, उनमें करिश्मा नहीं था, सिर्फ वो मैचेस करने आते थे जैसे अभी के करंट रेसलर्स आ रहे हैं, बट लेटर ऑन उन्होंने खुद में इन्वेस्ट किया, कैरेक्टर लाया, उनकी फिजिक बनाई, माइक स्किल्स तगड़े किए, एंड देन वो लेजेंड बने हैं। ये होता है दोस्तों इम्प्रूवमेंट। आज के दोस्तों रेसलर इम्प्रूवमेंट तो छोड़ दो, किक्स एंड फ्लिप्स और अच्छे कैसे करने हैं, डेव मेल्सर से 5 स्टार्स कैसे लाने हैं, और इंटरनेट पे प्रेजेस कैसे मिलाने हैं, उसका ये काफ़ी एफर्ट्स करते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी गलत है। और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर ने 5 स्टार मैचेस थोड़ी ना दिए हैं, हमारे मिजेट्स ने दी है, तो हमारे मिजेट्स काफ़ी ज़बरदस्त हुए। तो भाई, रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर ड्रॉ करते हैं, और डेव मेल्सर का जो 5 स्टार रेटिंग सिस्टम है ना, उसे सारे लेजेंड्स गाली देते हैं।
ये रेटिंग सिस्टम खुद डेव मेल्सर देता है। ये किसी से बड़े कंपनी से नहीं आते हैं कि 5 स्टार मिले तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मिलियंस एंड मिलियंस। अगर आपको पूछा जाए कि ये मूवी कैसी लगी, तो आप भी अपना रेटिंग्स दे सकते हैं कि मुझे 3 स्टार लगी, 4 स्टार लगी, 5 स्टार लगी। तो आपके ये रेटिंग्स देने से क्या होगा? सो इट्स सिंपल, 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, 10 स्टार्स मैटर नहीं करते हैं। मैटर क्या करता है कि आप कितना ड्रॉ करते हैं। आपके माइक स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, करिश्मा होना चाहिए एंड क्राउड से इमोशंस निकालने चाहिए आप। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये था मेरा ओपिनियन। मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं किसी को हेट करता हूँ, ये मेरा ओपिनियन होता है। और मैं मेरे चैनल में ही कह रहा हूँ ना, किसी और के तो चैनल में नहीं कह रहा। तो ओपिनियन देना कब से गलत होने लगा है? जैसे दूसरे अपने चैनल पर ओपिनियन देते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि ओपिनियन ओपिनियन होता है, उनका चैनल है, उनको ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट अगर मैंने ओपिनियन दिया तो रेसलिंग बादशाह गलत, ये कैसे भाई? इसलिए आप सभी अपने ओपिनियन दीजिए, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई रोमन रेंस इज द फेस ऑफ द कंपनी एंड द बेस्ट स्टार इन टुडेज जनरेशन। ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को पिक किया था, ना ही विंस ने। ट्रिपल एच ने ये इकलौता काम काफी अच्छा किया है। हाँ, मैं दोस्तों मानता हूँ कि रोमन रेंस जो है पहले काफ़ी ज़्यादा ओवरपुश थे। इवन मैं भी हेट करता था रोमन रेंस को, क्योंकि काफ़ी वो ओवरपुश थे, उनके माइक स्किल्स काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी क्रिंच थे। पर दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है, रोमन रेंस ने खुद में काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लाई है, उनके माइक स्किल्स में, उनके करिश्मा में और उनके मैचेस में भी। रोमन रेंस के काफ़ी तगड़े मैचेस दिए हैं अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, रूसेफ एंड मैनी मोर। रोमन रेंस मर्च सेल में काफ़ी नंबर वन है एंड दोस्तों रोमन रेंस ड्रॉ करते हैं। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सारे लेजेंड्स ने रोमन रेंस की तारीफ की है और गोल्डबर्ग ने तो अभी आने से पहले ये जताया था कि उन्हें रोमन रेंस के साथ मैच लड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड है सभी रोमन के साथ मैच लड़ने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंस मैकमैन ने यह सोचा था कि सेथ रॉलिंस को मैं सेम पुश दूंगा रोमन रेंस जैसा या उससे भी डबल वाला, तभी जाके उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 2 बार हराया ना। और समर स्लैम में तो उनकी जो इंजरी थी, टेप्ड रिब्स थे, वो सेल भी नहीं किए थे। और इसलिए मैं लुक्खा बोलता था सेथ रॉलिंस को, क्योंकि ये विक्ट्री काफ़ी फ्लूक थी एंड काफ़ी मीनिंगलेस थी। इतना इन्वेस्ट किया सेथ रॉलिंस पर, बट स्टिल वो पुश फेल गया, उनका बेबी फेस रन जो था वो फेल गया, उन्होंने रेटिंग्स ड्रॉ नहीं किए एंड अब उनका जो हील कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डिसेंट चल रहा है। वेरस रोमन रेंस का जो पुश था वो अभी काफ़ी डिसेंट हो गया है एंड रोमन रेंस टॉप डॉग बन चुके हैं कंपनी के। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि रेसलिंग बादशाह अलग थंबनेल लगाता है, रेसलिंग बादशाह रोमन रेंस का यूज़ करता है व्यूज़ लाने के लिए। तो भाई, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और अपने इंडिया में रोमन रेंस के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, तो जो फैंस को चाहिए वो मैं कंटेंट दूंगा। तो आप लोग मुझे मत बताइए कि मुझे कौन सा कंटेंट देना चाहिए मेरे खुद के चैनल पर। दूसरे यूट्यूब चैनल जो है वो अपनी तरफ से किसी भी सुपरस्टार का कंटेंट दे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनका चैनल है, उनका ओपिनियन है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट देना है, किस तरह से देना है। इसलिए मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो भी मेरे कंटेंट के बारे में बोले या मैं किसके बारे में न्यूज़ देता हूँ वो बोले। रोमन रेंस मेरे फैंस को पसंद है, मुझे पसंद है और मैं इसलिए रोमन रेंस के बारे में न्यूज़ देता रहूँगा। इतना सब कुछ बताने के बावजूद आप सभी को रोमन रेंस अगर पसंद नहीं है तो सिंपल दोस्तों, आप मेरी वीडियो मत देखिए, आप ऐसी वीडियो देखिए जहाँ पर रोमन रेंस नहीं है। क्योंकि क्यों खाली फुकट का रोमन रेंस का वीडियो देखने का और फिर हेडेक लेने का और दूसरे जगह पर जाकर ये कहने का कि रेस्लिंग बादशाह रोमन रेंस के नाम पर व्यूज़ ले रहा है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े चैनल्स अभी बन चुके हैं उनके स्टार्टिंग के वीडियो चेक करिए, सारे रोमन रेंस के ऊपर है। रोमन रेंस बिल्डिंग बेस था हर एक चैनल का एंड स्टिल वही है। और जो लोग ये कहते हैं कि रोमन रेंस के नाम पे व्यूज़ लेता है, ये करता है, वो करता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप दूसरे को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रोमन रेंस के नाम पे व्यूज़ ना लें, तो आप भी रोमन रेंस का एक भी वीडियो मत बनाइए, एक भी मत बनाइए, क्योंकि आप हेट करते हैं रोमन रेंस को। बट आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा चैनल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैं आपके इसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो आप अपना बिजनेस संभालिए,
और मुझे अपना संभालने दीजिए। और मैं ये भी देखता हूँ कि जो बोलता है कि मैं रोमन रेंस का फैन हूँ उसे काफ़ी लोग बुली करते हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि वो लोग खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे जैसे मैं कर पाता हूँ खुद को। आप अपना ओपिनियन दो कि आप किसके फ़ैन हो, सामने वाले से जानिए कि वो किसका फ़ैन है, और एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करिए। और ये मैं सिर्फ रेसलिंग के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ में भी बोल रहा हूँ कि हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करिए। और दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि रेसलिंग बादशाह यश का चैनल है, तो यहाँ पर कंटेंट डिसाइड यश करेगा, थंबनेल टाइटल डिसाइड यश करेगा। और जो यश के फैंस को चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए, वही यश प्रोवाइड करेगा। अगर आपको देखना है तो आप शौक से देखिए दोस्तों, बट अगर आपको नहीं देखना है रोमन रेंस का या किसी भी सुपरस्टार का जो आपको पसंद नहीं है, वो प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि बाकी के और भी चैनल्स हैं जहाँ पर रोमन रेंस के सिवा न्यूज़ बनती है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं हैप्पीली। तो दोस्तों ये था रेसलिंग बादशाह का वीडियो, इनफैक्ट अ स्पेशल वीडियो आप सभी को ये बताने के लिए कि रेसलिंग बादशाह के पास कितना रेसलिंग नॉलेज है, और एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए, और मेरे लिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करने के लिए। ये मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे चाहने वालों के लिए थी ही वीडियो, बट जो मेरे हेटर्स हैं ये उनके लिए काफ़ी थी वीडियो। तो मैं हेटर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे ज़रा भी नफरत नहीं करता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेवर गिव अप का। तो इतना सब बोलने के बावजूद, इतना क्लैरिफिकेशन के बाद, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप में से दो टाइप्स के हेटर होंगे, एक तो समझने वाले या फिर दूसरा नहीं समझने वाले। समझने वाले को ये पता चल गया रहेगा कि रेसलिंग बादशाह का इंटेंट क्या होता है, रेसलिंग बादशाह का पॉइंट क्या होता है। अगर आपको पसंद है रेसलिंग बादशाह का पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर जिस सुपरस्टार के बारे में रेसलिंग बादशाह बना रहा है वीडियो, तो आप उसका चैनल देखिए और सपोर्ट करिए। और अगर आपको नहीं देखना है तो आप वो चैनल या फिर वो वीडियो मत देखिए। और जो नहीं समझने वाले हैं उनको तो मैं यही कह सकता हूँ कि इतना सब क्लैरिफिकेशन देने के बावजूद अगर आपको स्टिल हेट करना है तो आप हेट करिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों, मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि दूसरों का बुरा नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों का बुरा चाहा तो अपने साथ खुद बुरा होता है। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा चाहो, और अगर आप अच्छा चाह नहीं सकते तो आप दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो और बुरा मत कहो। एंड यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, मैं मेरे हेटर्स लवर्स सबको प्यार करता हूँ। तो दोस्तों आज जैसे मैंने समझाया है आप सभी को, ये काफ़ी अच्छी साइड है ऑफ रेसलिंग बादशाह जो फर्स्ट टाइम आई है इतने सालों में। और दोस्तों कल से रेसलिंग बादशाह एज यूजुअल चालू होने वाला है अपने ओपिनियंस देने के लिए एंड अपडेट्स देने के लिए। तो फिर आपकी मर्जी है दोस्तों, आपको समझ के लेना है या फिर नहीं समझ के लेना है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, होप आप सब समझ के लोगे। एंड याद रखना, रेसलिंग बादशाह लव्स यू ऑल। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इस वायरस वाले सिचुएशन में कितना प्रॉब्लम हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और कितनी नेगेटिविटी फैल रही है बाहर। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अभी हम सब घर पर है तो हम सब पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों के चेहरे पर स्माइल लाएं और उनकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर दें। बट यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव चल रहा है ऑलरेडी, क्या कम नेगेटिव चल रहा है? बाहर लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से वायरस का टेंशन कि ये कब जाएगा। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि YouTube के जरिए से आप सभी में मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकूँ, एंड बाकियों को भी यही करना चाहिए। और मेरे हेटर्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली कि अगर आपके कुछ गोल्स हैं फ्यूचर में, वो आप अच्छे से एकम्प्लिश करें और आप एक बड़े पोजिशन पर जाएं। और अगर कोई YouTube चैनल खोलना चाह रहा है या फिर किसी का है ऑलरेडी, तो आप उस पर ही फोकस करिए। एंड मैं तो चाहता हूँ कि आपको बहुत सारा सक्सेस मिले, आप मेरे से आगे निकल जाए सब्सक्राइबर्स में, व्यूज़ में, आपके मिलियंस एंड मिलियंस सब्सक्राइबर्स हो। और कुछ यूट्यूबर्स की मैं बात करना चाहता हूँ कि खुद के फेलियर्स के लिए, खुद के कम व्यूज़ के लिए दूसरों पर उंगली मत उठाओ। दूसरों के चैनल में ध्यान देने से अच्छा खुद के चैनल में ध्यान दो, खुद के कॉन्टेंट पर ध्यान दो, मतलब आपकी ग्रोथ होगी। एंड प्लीज़ स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू वेरी मच एंड पीस आउट।